आसाराम केस के मुख्य गवाह कृपाल सिंह की मौत शुक्रवार को शाहजहांपुर में बाइक सवार बदमाशों ने किया था हमला। बरेली के अस्पताल में कृपाल सिंह ने दम तोड़ा, करीब 24 घंटे बाद हुई मौत। ये गनशॉट की कंडीशन में एडमिट हुए थे, आज इनका ऑपरेट भी हुआ था, बट सेप्सिस भी रहा होगा, ब्लड लॉस की वजह से इनकी डेथ हुई। काम से घर लौटते समय कृपाल सिंह पर शुक्रवार को हुआ था हमला। हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं, कातिलों को पकड़ने के लिए छापेमारी। आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़ित के घर वालों का आरोप, कृपाल सिंह पर गवाही नहीं देने के लिए डाला जा रहा था दबाव। देता है, कभी लालच देता है, कभी गोली मरवा देता है, कई गवाहों को मरवा चुका है। आज बरेली के अस्पताल में कृपाल सिंह का पोस्टमार्टम होगा, सुबह 10:30 बजे डॉक्टर्स की टीम रहेगी मौजूद। शाहजहांपुर की पीड़ित लड़की ने कहा कृपाल सिंह ने उसके केस में दी थी गवाही, पीड़िता ने खुद के लिए सुरक्षा की मांग की। जी हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ, वो मेरे पापा के मित्र हैं, तो इसलिए मैं उन्हें जानती हूँ। कृपाल सिंह ने आसाराम के खिलाफ दी थी गवाही, 4 महीने पहले एक ऑडियो क्लिप भी जारी की थी। जैसलमेर में आरटीआई कार्यकर्ता बाबूराम चौहान पर जानलेवा हमला, हमलावरों ने टांगे तोड़ी, बाल काटकर सलेआम की बसलू की, भू माफिया पर शक। आज तक के पत्रकार अक्षय की मौत पर तफ्तीश तेज, मध्य प्रदेश पुलिस ने व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर आनंद राय से पूछे 10 सवाल। आनंद राय ने पुलिस को अपने जवाब सौंपे, झाबुआ के मेघनगर पुलिस को दिया जवाब। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर, हथियार बरामद, घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। इम्फाल में लगातार 3रे दिन प्रदर्शन जारी, आंदोलनकारियों ने कर्फ्यू की अवहेलना की। मोदी को लेकर दावे पर घिरे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, मोदी को पहला ओबीसी पीएम बताने को नीतीश लालू ने ठहराया गलत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा यह पहली बार नहीं हुआ जब कोई ओबीसी देश का प्रधानमंत्री बना। कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद ने सोनिया गांधी को इफ्तार पार्टी का दिया न्योता, इफ्तार में उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री भी होंगे शामिल। विदेश दौरे के चलते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री की इफ्तार में नहीं होंगे शामिल, कई मंत्री दावत में जाएंगे, दिल्ली के 5 स्टार में होगी मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद की इफ्तार पार्टी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने घर दी इफ्तार पार्टी, आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव समेत कई नेता शामिल हुए। 13 जुलाई को दिल्ली में सोनिया के घर इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे लालू, कहा पटना में कार्यक्रम के चलते नहीं जाऊंगा, नीतीश को जाने को कहा। हम जाएंगे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने भी दी इफ्तार पार्टी, पार्टी में शामिल हुए कई बड़े नेता। 6 देशों की विदेश यात्रा के दौरान किर्गिस्तान पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रपति ने किया जोरदार स्वागत। किर्गिस्तान में विजय स्मारक देखने पहुंचे मोदी, शहीदों को किया नमन, चढ़ाए श्रद्धा सुमन। हिंदी सीख रहे छात्रों के गाने पर फिदा हुए प्रधानमंत्री मोदी, अपनी गायकी से छात्रों ने जीता मोदी का दिल। पुरी में भगवान जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां पूरी, भगवान जगन्नाथ बलभद्र बहन सुभद्रा की यात्रा निकालने जाने की है परंपरा।
बारिश से वित्त मंत्री अरुण जेटली खुश, कहा पिछले साल के मुकाबले इंद्रदीप ज्यादा मेहरबान, 8 से 10% संभव है विकास दर। दिल्ली में लगातार बारिश ने एमसीडी के दावों की खोली पोल, कई जगह सड़कें तालाब में तब्दील, दिल्ली के बुराड़ी में बारिश से बुरा हाल, सड़कों पर पानी भरा। दिल्ली के वीआईपी इलाकों की भी बारिश ने खोली पोल, दक्षिणी दिल्ली के एमबी रोड लालकुआं में सड़क तक भरा पानी। कोटा के भवरकुंज में पानी के तेज बहाव में फंसे 3 युवक, मुश्किल से किया जा सका रेस्क्यू, पिकनिक मनाने गए थे तीनों। भारी बारिश, भूस्खलन के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा, कई जगहों पर सड़कों पर आया पहाड़ों का मलबा। फिरोजाबाद में लड़की के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला, पीड़ित का आरोप भाई के दोस्त ने 1 महीने तक बंधक बनाकर किया रेप। पीड़ित के अनुसार गैंगरेप के साथ दी शारीरिक यातनाएं, बात न मानने पर लात, जूतों से पीटा, चिमटों से दाहा। राजस्थान के जैसलमेर में आरटीआई कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला, भूमाफियाओं ने तोड़ी टांगे, मामला दर्ज। सूरत में सिंथेटिक चावल मिलने से हड़कंप, खाद्य विभाग की कार्रवाई, सैंपल जांच के लिए भेजे गए। मध्य प्रदेश के हरदा में फिर दिखी खाकी की बेरहमी, 2 आरोपियों के साथ जानवरों जैसा सलूक, पीट पीट कर किया बेदम। महाराष्ट्र के जालना में 17 साल की लड़की से 2 बार गैंगरेप का मामला सामने आया, पुलिस में शिकायत के बाद आरोपियों ने दोबारा किया रेप, मामले में लापरवाही बरतने पर एएसआई सस्पेंड, दोनों आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा में रिहायशी इलाके में फिर घुसा तेंदुआ, महिला के लिए जान, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में कपड़ा दुकान में भीषण आग, काबू पाने के लिए 8 दमकल की गाड़ियों को करनी पड़ी काफी मेहनत। यूपी के अलीगढ़ में एक पुरानी इमारत की दीवार ढही, 3 बच्चों की मौत, 1 जख्मी।